Bhula. Ha. Okay. Rana Bhula. Ready. वेलकम बैक। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन सुकून से बीतता है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत आयुर्वेदिक तरीके से हो तो दिन और भी स्वास्थ्य से भरपूर हो जाता है। आप आयुर्वेद को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद है। स्वागत करते हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर रीना अरोड़ा का। डॉक्टर रीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अ वार्म वेलकम डॉक्टर रीना। थैंक यू। हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि में अच्छी सेहत की क्या निशानी है? आयुर्वेद में एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन जो बताई गई है उसमें लिखा है सम धातु सम दोष सम मल क्रिया, यानी कि जिसकी धातु उसको कहते हैं, जितने भी आजकल लैब में टेस्ट करवाते हैं हम, जो ब्लड लेवल्स हैं वो ठीक आए, जिसके दोष ठीक हो, वात पित्त का आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं वो ठीक हो, सम मल क्रिया यानी कि जिसको यूरिन ठीक आ रहा है, जिसका पेट साफ हो रहा है, क्योंकि आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन इत्य विधीयते, और जिसकी आत्मा मन है, जिसका मन प्रसन्न है और जिसका पूरी तरह सोशली बॉडी और माइंड पूरी तरह से वो खुश है और हेल्दी है, वो एक हेल्दी पर्सन है। खाली आपके लैब के टेस्ट ठीक आए और आप वैसे खुश नहीं हैं और बहुत स्ट्रेस में है, तो यू आर नॉट ए हेल्दी पर्सन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। यानी कि मानसिक शांति और जो खुशी है, जो भीतर का आनंद है, वो सेहत को के लिए बहुत जरूरी है। जी, ये तो बात हुई कि एक हेल्दी पर्सन क्या है आयुर्वेद में, और आपने बड़े अच्छे से उस चीज़ को समझाया। अब आयुर्वेद को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करके पूरे साल कैसे हेल्दी रह सकते हैं? जी, आयुर्वेद में एक प्रॉपर दिनचर्या वर्णित है जी, जिसके अकॉर्डिंगली हमें सुबह अपना सारे कार्यक्रम करने चाहिए ताकि हमें हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। दिनचर्या फॉलो करना एक प्रिवेंटिव मेजर है जो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णित है जी। इसके अकॉर्डिंगली सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि 5 बजे तक आप उठ सकते हैं, मैक्सिमम 4 बजे उठे तो और भी अच्छा है। वाओ। और जल्दी सोना चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है जी। होता क्या है, जब हम टाइमली सोते हैं तो एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो सिक्रीट होता है। Okay. कुछ लोग जो 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, फ़ोन पर लगे रहते हैं या काम करते रहते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, और सुबह लेट उठते हैं, उससे बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है जो अपसेट हो जाता है जी। और फिर होती हैं कई प्रॉब्लम्स, थायराइड है, PCOD है, वेट बढ़ना, सारा दिन लेथार्जिक रहना। तो ये बेनिफिट है सुबह उठने का, और ये लॉस है ना उठने का जो ये प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ जी। अब ये तो हमने बात की पूरे साल, मतलब अपने आप को किस तरीके से आप संयत रखें और एक अच्छे जीवन बिताएं, पर अगर मौसम की बात करें, अब मार्च है और आज जैसे आज होली भी है, तो अब जो है मौसम की ठंडक कम होती चली जा रही है, तो ये एक संक्रमण काल है, मतलब ट्रांजिशन का फेज है, तो इस टाइम में आयुर्वेद की दृष्टि से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आयुर्वेद की दृष्टि से ये वसंत ऋतु चल रही है इस टाइम, इसमें कफ सबसे ज़्यादा पिघलता है हमारी बॉडी में, जितना हमने हैवी डाइट्स विंटर्स में ली होती हैं, अक्सर बच्चों को इवन बड़ों को भी कफ कोल्ड इस सीज़न में हो जाता है। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम बिना ये देखें कि हमें कोई बीमारी ना हो, तो हमें इस सीज़न में वमन करवाना चाहिए। वमन यानी वॉमिटिंग्स करवानी चाहिए, जिसको कुंजल भी करवाते हैं योगा में, पानी पी के उसको वॉमिट, खूब सारा पानी पी लिया और फिर देन आप उस पानी को बाहर निकाल। आयुर्वेद में मेडिकेटेड वॉमिटिंग करवाते हैं इस पीरियड में, किसी को प्रॉब्लम ना हो तब भी ये करवाना सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का, शुगर हो जाती है, वेट बढ़ जाता है, अगर हम रूटीन में बिना किसी प्रॉब्लम के इस सीज़न में ये वमन करवाएंगे तो ये प्रिवेंशन काफ़ी अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। जो फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं वो निकल जाते हैं। एक और चीज़ इस सीज़न में एडवाइस करते हैं आयुर्वेद में, जैसे लोग कहते हैं कि शहद वाला पानी पीना चाहिए, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इस सीज़न में अदरक वाला पानी पीना चाहिए। अच्छा। सोच भी नहीं सकते कि इतना साइंटिफिक एविडेंस, क्योंकि अगर आप अदरक का पानी पियेंगे तो कफ का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूसली उन्होंने एडवाइस किया है कि इस सीज़न में आप कफ अदरक को ग्रेट करके, सिंपली अदरक बॉयल करके वो पानी आप सारा दिन खाली। अच्छा, सारा दिन, ऐसा नहीं है कि केवल सुबह के समय में आप पिए, वो सारा दिन आप पी सकते हैं। तो उससे आपका फैट भी डिसॉल्व होगा, लिवर भी बेटर होगा, कफ भी खत्म होगा बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। और बॉडी में कुछ लोगों को स्टूल ठीक नहीं आता, फॉर्म्ड स्टूल नहीं आता उनको, डाइजेशन खाना पचता नहीं है, कई बार 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 टॉयलेट जाना पड़ता है बच्चों को, इवन एडल्ट्स को भी, तो उनके लिए ये पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनको इससे पाचन शक्ति बढ़ेगी और भूख भी अच्छे से लगेगी।
बहुत बढ़िया। हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अक्सर हमने ऐसा सुना है कि रोज़ अगर सुबह उठते ही हम एक दो ग्लास गर्म पानी पी लें या खाना खाने के बाद गर्म पानी पी लें तो हमारा डाइजेशन बहुत सही होता है, तो ये कहाँ तक बात सच है? ये गर्म पानी एक तो सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जो पित्त प्रधान प्रकृति के लोग हैं जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है जी जी, और जिनको वैसे ही गर्मी बहुत लगती है, हॉट फ्लशेज आते हैं, उनको अगर हम गर्म पानी देंगे या बीपी के पेशेंट्स, तो वो उनके लिए हमेशा कारगर नहीं है। और अच्छा। दूसरा, खाने के बाद गर्म पानी भी, खाने के बाद तो पानी पीना ही नहीं चाहिए इमीजिएटली बाद जी, तो ये तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। एटलीस्ट एक घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए, और वो भी गर्म सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। पित्त प्रकृति वालों के जिनको हॉट टेंडेंसी है, जिनकी बॉडी में वैसे ही हीट बहुत प्रोड्यूस होता है जी, उनके लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। अब हम भावना ने जैसे बात की गुनगुने पानी पीने की या पानी पीकर दिन की शुरुआत करने की, अब चूंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि अक्सर लोगों की सुबह नींद नहीं खुलती तो एक बेड टी पीने का जैसे एक चलन है, इसके ऊपर काफी सारी रिपोर्ट्स आती हैं। अब आयुर्वेद क्या कहता है, कितना हानिकारक है सुबह सुबह खाली पेट मतलब बिना नित्य क्रिया किया चाय पीना? नित्य क्रिया किए बिना चाय पीना हानिकारक, उसको हम हेल्दी बना सकते हैं। मैं बताती हूँ अच्छा कैसे जी। लोग ग्रीन टी पीने का बहुत ट्रेंड है आजकल जी जी, आप अर्जुन शीरपाक पी लीजिए, बहुत अच्छा है, वो एक चाय की तरह उसको पीजिए। आप जो ग्रीन टी क्या, जैसे क्या कहा आपने, अर्जुन शीरपाक, मैं बता रही हूँ आपको। अर्जुन का आजकल पाउडर मिलता है, काफी फेमस प्लांट है हार्ट पेशेंट्स के लिए और वैसे हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए भी जी। तो उसको आप बॉयल करो, उसमें आधा कप वही दूध डालो, फिर उसको हाफ जब वो रह जाए उसकी क्वांटिटी, तो उसको आप चाय की तरह पियो। ये एक हेल्दी चाय है, क्या लीजिए इसको। हाँ, ये आप मतलब सुबह उठते ही मुंह धोए बगैर आप ये ले सकते हैं जी। और इसके अलावा दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे इस सीजन में स्पेसिफिकली एक नागरमोथा एक प्लांट आता है, आजकल तो इजिली मिल जाते हैं प्लांट्स भी, और उसको आप बॉयल करके आप पीजिए इस सीजन में, आपका कफ भी कम होगा और आपका ग्रीन टी का पर्पस भी सॉल्व हो गया। हाँ। और आप सुबह पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जी जी, जी। क्या बात। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जी, तो इसमें ओरल हाइजीन की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या मेंशन किया गया है? मैंने दिनचर्या में अभी एक ही स्टेप बताया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना जी, उससे नेक्स्ट है टॉयलेट जाना, और टॉयलेट जाने में मैं दो तीन चीजें बताऊंगी, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है ये माउथ क्लीनिंग, उस पर मैं आती हूँ। टॉयलेट जब लोग जाते हैं, बेसिकली हमें टॉयलेट ऐसे होना चाहिए कि हम जाएं टॉयलेट में बैठें और फ्रेश हो जाएं और वापस आएं। अदरवाइज लोग क्या होता है, एक एक घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं या फ़ोन पे लगे रहते हैं या न्यूज़पेपर देखते रहते हैं, ये गलत तरीका है। क्योंकि हमारा ध्यान उसी में होना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का और इंडाइजेशन का कारण है। दूसरा, प्रेशर एग्जर्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, उससे वायु कुपित होती है, जो दोष बॉडी में होते हैं वो एग्रेवेट होते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, जो रेक्टल मसल्स हैं। अच्छा। अगर हमें स्टूल नहीं पास हो रहा और हम प्रेशर लगा रहे हैं तो जो लोअर पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, तो रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है एज्ड लोगों में, अक्सर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है ओल्ड एज में, तो ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है माउथ क्लीनिंग का। इसमें आयुर्वेद में एडवाइज्ड है, जैसे आग का प्लांट आपने सुना होगा जो अक्सर लगा होता है बाहर ऐसे, और नीम का प्लांट है या खदिर है, करंज है, ये तो गवर्नमेंट ने भी कहीं लगवाए हुए हैं माउथ क्लीनिंग वगैरह के लिए। इनका दातुन आप कर सकते हैं डेली। इनका और विजयसार है, विजयसार एक ऐसा रिसर्च बेस्ड प्लांट है डायबिटीज के लिए, सिंगल प्लांट ही काफ़ी है, ये इतना अच्छा प्लांट है। अगर आप सुबह डेली इसका दातुन करेंगे तो आप सोचिए, जो हम दातुन कर रहे हैं वो मुँह में से एब्जॉर्प्शन भी होती है, तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। वो ऐसे ही नीम है, जितने हमारे आजकल बच्चों को भी कैरेज हो जाते हैं दांतों में, बहुत जल्दी दांत खराब होते हैं, तो वो डेली एक एंटीबैक्टीरियल वॉश है वो मुँह के लिए। और नेक्स्ट है, अगर हम दांतों को क्लीन करना है हमने तो सौंठ, मिर्च, पीपल, ये यूजुअली किचन में ही होता है लोगों के, और हरड़ बहेड़ा, आंवला, इसको अगर शहद में मिक्स करके रब करेंगे आप दांतों को तो आपके दांत काफ़ी साफ हो जाएंगे, और ये एक नेचुरल, आप इसको दंत मंजन समझ सकते हैं। डॉक्टर रीना, आप बात कर रहे थे पाचन क्रिया की, जब हम नित्य क्रम की बात कर रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद कुछ ऐसे सुझाव देता है कि जो सोने से पहले या उठने के बाद इमीडिएटली किए जाएं, जिससे जो आपका पाचन है या जो आपने जो स्टूल पास करने की बात कर रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी सुविधा हो? हमें जो डिनर है 7 बजे तक ले लेना चाहिए, 7 बजे जी हाँ ठीक है, ताकि वो पचने का उसको टाइम भी मिले सोने तक। अगर 9-10 बजे तक सोते हैं
और 9 बजे तक आप अगर आप चाहें तो आप 1 कप दूध ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं डबल टोन। अगर आप हाइपर एक्टिव है तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी लेवल 0 है और आप ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तब मैं आपको ये दूध एडवाइस कर रही हूँ दोनों। और दूसरा, सुबह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो लंच टाइम में, लंच से पहले आप 1 प्लेट पपीता खाइए, पालक, बथुआ, मेथी, जौ, इन चीज़ों का यूज़ अपने डाइट में ज़्यादा कीजिए ताकि आपका पेट सुबह अच्छे से साफ हो। अगर ये रूटीन आप रखेंगे और डेली आप लंच में दाल लेंगे और रात को सब्जी लेंगे तो आपको शायद पेट साफ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सौंफ एक आप मील के बाद जरूर लीजिए। सौंफ वायु वातानुलोमन होते हैं, यानी कि वायु को निकालते हैं। तो जिनको पेट के अफारे की प्रॉब्लम होती है कि मेरा पेट फूल जाता है खाने के बाद, तो वो प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। राइट। ऑयलिंग का क्या सिग्निफिकेंस रहता है आयुर्वेद में, क्योंकि बहुत तरीके के ऑयल्स का जिक्र होता है और कहा जाता है कि उससे ये फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, तो क्या सिग्निफिकेंस है उसका? ये दिनचर्या का ही एक पार्ट है जी। जैसे हमने मुंह को क्लीन कर लिया, उससे नेक्स्ट 2-3 चीजें और हैं जो मैं बता के उसके बाद आती हूँ ऑयलिंग पे। एक नस्या ट्रीटमेंट होता है, नोज में ऑयल डालते हैं हम, फेस की जितनी भी ब्लेमिशेस हो जाती हैं लोगों को, रिंकल्स पड़ जाते हैं, या आईज़ की स्ट्रेंथनिंग के लिए, वाइटनिंग ऑफ हेयर्स के लिए हमें डेली अपने नोज़ में ऑयल डालना चाहिए, इवन सर्वाइकल पेशेंट्स को। और ब्रेन की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। कौन सा तेल कहते हैं इसे आप? बादाम का तेल सभी डाल सकते हैं। जिनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो अनु तेल यूज कर सकते हैं। नाक में तेल डालने से मतलब सर्वाइकल स्किन की टाइटनिंग और बालों की काली, अरे वाह क्या बात, और आई साइड भी, मतलब बादाम का तेल हो सकता है, हो सकता है जी। और दूसरा जो आपने मसाज का पूछा था मेरे से, ये दिनचर्या का एक पार्ट है। डेली आपको लोकल बॉडी पे, पूरी बॉडी पे मसाज करना चाहिए। जैसे मशीन को ऑयलिंग करवाते हैं तो वो रवा हो जाती है ना, ग्रीजिंग रहती है जी जी। ऐसे ही हमारी बॉडी को भी टोन अप करने के लिए, मसल्स को रिजुविनेट करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी का ग्लो मेंटेन करने के लिए, ये एक नेचुरल तरीका है कि आप डेली तिल के तेल से मसाज कीजिए। कोई टाइम इसके लिए तय है डॉक्टर? हाँ, मॉर्निंग में मसाज कीजिए नहाने से पहले, ये दिनचर्या का ही पार्ट है। सुबह आप ये सब कीजिए। एक और चीज बीच में मैं बताना चाहूंगी कि जो अंजन है, एक आयुर्वेद में एडवाइज्ड है, आईज में एक सुरमा बताते हैं, सुवीरांजन। पहले लोग डेली सुरमा लगाते थे, इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। आजकल लोग सारा दिन स्क्रीन पे रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं या फ़ोन पे रहते हैं, वो तो सबके पास ही है, तो उसको जो ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है कंप्यूटर की वजह से, सूख जाती हैं जी जी जी, कैटरेक्ट हो जाता है थोड़े एज लोगों को, बच्चों को भी स्पेक्स लग जाती हैं। तो ये अगर सुरमा हम डेली यूज़ करें तो हम आईज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीज़ों से। और एक आँखें धोने के लिए भी एडवाइस है कि मुँह में आप पानी भरिए और उसके बाद सिंपल पानी से आँखों को धोइए। सिर्फ 2 सीजन एडवाइज हैं जिसमें ठंडा पानी होना चाहिए, गर्मी और शरद ऋतु, अदरवाइज थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर आप ले सकते हैं। हम जब ये शारीरिक क्रम आप बता रही हैं कि करने चाहिए सुबह उठ के, ऑयलिंग बता दिया, अब ऐसे में हमने जब बातचीत शुरू की थी आपने मन की बात की थी, सो माइंडफुलनेस, यस, और आपने बीच में भी दोबारा जिक्र किया कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें उस समय वही काम कर रही हूँ, जो तल्लीनता फोकस, तो आउटपुट अच्छा रहता है और मन भी शांत रहता है। तो माइंडफुलनेस को लेकर कि किस तरीके से माइंडफुलनेस अटेन की जा सके, इसे लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? माइंडफुलनेस अटेन करने के लिए एक तो आपकी सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए जी, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल जरूर होना चाहिए। जब कोई आदमी बोलना बंद कर दे, बिल्कुल रिजर्व हो जाए, किससे बात करना उसको पसंद ना हो, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है वो। तो इसलिए उस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए हमें। कुछ अच्छे फ्रेंड सर्कल हमारा जरूर होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। दूसरा, मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में, उसमें एक क्लीनिंग करवाते हैं मेडिटेशन में डेली, तो आपके दिमाग में जो नेगेटिव थाट्स हैं या नेगेटिविटी है वो आपकी निकल जाए और दोबारा से एक पॉजिटिव माइंड हो आपका नया काम करने के लिए। उससे हमारी बॉडी की हीलिंग पावर भी इम्प्रूव होती है। और इसके अलावा अगर आपका एज 40 या 50 हो चुकी है, भूलने की प्रॉब्लम सबको हो जाती है इस एज में थोड़ी सी, पजल्स कीजिए आप, कुछ ना कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे दिमाग यूज़ हो जिसमें। और ब्रेन टॉनिक्स भी हैं आयुर्वेद में जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो ले सकते हैं आप। जैसे शंख पुष्पी एडवाइज्ड है, अश्वगंधा है, दूध है, देसी घी है, जो नस्य मैंने नोज़ में ऑयल डालने के लिए बोला है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन।
यहाँ पर अभी मेडिटेशन का जिक्र हुआ, मेडिटेशन क्या सिर्फ सुबह ही करना फायदेमंद है कि हम दिन में किसी भी टाइम हम मेडिटेट कर सकते हैं, और क्या पूरी प्रक्रिया उसकी रहनी चाहिए, क्योंकि असल में ज्यादातर लोगों को सही तरीका पता नहीं होता। मेडिटेशन करने का बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है पढ़ने के लिए और मेडिटेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल उस टाइम खाली होता है। और दूसरा जो आप प्रक्रिया पूछ रहे हैं मेरे से, इसमें रात को जब हम थक के बैठ जाते हैं दोनों जो है खुले जगह पे आप बैठिए जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो प्रॉपर, बंद कमरे में बैठ के नहीं करना, तो आप क्लीनिंग कीजिए आंखें बंद करके बैठ के, कि थॉट दे के आप बैठ जाइए, इसको इमेजिन कीजिए आप, ऑल द ग्रॉसनेस एंड इम्प्योरिटीज ऑफ माई सोल आर बर्निंग एंड गोइंग आउट फ्रॉम माई बैक। आप फील कीजिए कि जो भी आपके दिमाग की जो नेगेटिव थॉट्स है सब आपके बैक से बाहर निकल रहा है। 10 मिनट आप कीजिए, आपको लगेगा कि आपको बहुत लाइट लग रहा है। नेक्स्ट लाइन आप ये इमेजिन करके बैठ सकते हैं 10 मिनट, डिवाइन लाइट इज एंटरिंग इनटू माय हार्ट। उसको फील कीजिए आप कि वाकई कोई डिवाइन लाइट है जो मेरी अंदर हार्ट में एंटर कर रही है। आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठिए, फिर आप इसको 10-15 मिनट बाद ये फील कीजिए, डिवाइन लाइट इज प्रेजेंट इन माय हार्ट। बस उसके बाद आप बैठ जाइए जितनी देर आप आराम से बैठ सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई मैंने कुछ बहुत अच्छा कर लिया, और लाइट लगेगा। यानी कि एक तो पॉजिटिव एफर्मेशंस हो गई कि जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, एंड यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। अब यहाँ पर सोते वक्त, जैसे आपने बोला कि आज के समय में जो सोते वक्त हम फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट को माथा टेकते हैं और फिर सोते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, स्पेशली एवरीथिंग इज एम्बेडेड इन वन फोन, बीट योर ईमेल, बीट मैसेजेस, फोन कॉल्स, गेम्स, वीडियोस, इतना कुछ है। सो आप जो तरीके बता रही हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत कारगर हैं, मानते हैं, पर इस वक्त जो समय की तंगी हम सब के पास रहती है, सुबह देर रात तक हर कोई काम करता है, डेडलाइंस हैं, टाइमलाइंस हैं, सुबह के 1 या 1.5 घंटा होता है, उसमें नहाना है, तैयार होना है और वापस काम पे भी जाना है, तो इतना इलैबोरेट इस चीज़ को फॉलो कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो हैविंग सेड दैट, तो जो हमारा जो वर्तमान स्थिति है टेक्नोलॉजी एंड टाइम कंस्ट्रेंट, इन्हें देखते हुए आयुर्वेद में कुछ क्विक टिप्स हैं, कुछ क्विक फिक्सेस हैं जो इंस्टेंट हो जाएं, ऐसा कुछ है? वो क्विक टिप्स तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं एक चीज़ मेरे को लगता है सबको हमें सोचना चाहिए कि हम इसको फ़ोन को इतना ना भरें और अननेसेसरी मैसेजेस ना भेजें ताकि हम इसको खाली ना करें। हाँ, जो फॉरवर्डेड मैसेजेस हम लोग भेजते हैं जी। और क्विक टिप्स यही हैं, सुबह उठिए, टॉयलेट जाइए, जो मैंने माउथ वॉश करने का तरीका बताया वो कीजिए, नोज़ में ऑयल डालिए, अंजन लगाइए, फटाफट फेस पे पूरी बॉडी पे ऑयल लगाइए, और थोड़ा 10-15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, और अपना बाथ लीजिए, और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये एक रूटीन आप फॉलो कीजिए, इतना तो मिनिमम है, तो मिनिमम कि वो इससे करना पड़ेगा। यहीं पर एक और बात आती है कि जैसे दादी नानी के नुस्खे होते हैं, कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ऐसा करने से ये फायदा होगा, ऐसा करने से वो फायदा होगा, तो वो सारे नुस्खे कितने कारगर साबित होते हैं? आजकल उन नुस्खों पे काफी रिसर्च हो चुकी है, आयुर्वेदा एक साइंटिफिक स्टडी का वो है, तो इसलिए हमें प्रेफरेबली, जैसे अब हल्दी का दूध है, दादी लोग सब बोलते हैं कि हल्दी का दूध बहुत अच्छा है, अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर उसको लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हल्दी का दूध सबके लिए एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा। इवन अनमैरिड गर्ल्स को कंटिन्यूसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही कुछ और ड्रिंक्स हैं जिनको हम लगातार बिना अगर डॉक्टर की सुपरविजन के लेते हैं तो हमें नुकसान कर सकते हैं, तो इसलिए वो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट वो सोने पे सुहागा होगा अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर लेंगे तो। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी चीज कही कि इंटरनेट, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मैसेजेस के थ्रू बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं, और हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, तो जरूरी नहीं कि जो चीज भावना को सूट कर रही है वो मुझे सूट करे। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को होली के अवसर पर, चूंकि होली के रंग हैं जो त्वचा को नुकसान करते हैं, तो होली के अवसर पर खास करके आयुर्वेद की दृष्टि से कुछ खास कहना चाहेंगी आप? होली खेलने से पहले तिल का तेल लगा लें अपनी बॉडी पे, ताकि वो कलर जो है वो डायरेक्टली आपकी स्किन पे ना लगे। उसके बाद भी अगर कोई स्किन डैमेज हुआ है तो आप एलोवेरा लगा सकते हैं कंटिन्यूसली, उससे वो हीलिंग हो जाती है स्किन की। हल्दी मिक्स करके शहद में वो लगा सकते हैं आप,
और रंग उतारने के लिए रंग उतारने के लिए हल्दी से काफ़ी हद तक फर्क पड़ जाता है, और एलोवेरा मिक्स करके उसमें अगर आप लगाएंगे, और शहद भी ब्लीच करता है काफ़ी हद तक, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जी। दालचीनी बहुत अच्छी है फेस के लिए, जिनको पिंपल्स वगैरह होते हैं ये इसके बाद कलर के बाद हो जाता है, तो वह शहद में दालचीनी मिक्स करके वो लगा सकते हैं। वैसे तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप कलर्स की जगह आप हल्दी को यूज़ कीजिए। क्या बात। और रोज पेटल्स के पाउडर को यूज कीजिए लाल रंग के लिए। टेसु के फूल हैं, पलाश के फूल नेचुरल हैं। हाँ। तो ये नेचुरल होली के लिए, ताकि वो मजा भी आए आपको और आपकी सेहत भी अच्छी हो। और होली में हम रंग ही ना, मतलब शरीर ही ना रंगे, अपने मन भी रंगे। हाँ। और आनंद हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए भावना, अब हम उस पड़ाव पर आए हैं जहाँ पर हमें अपने दर्शकों से विदा लेनी है। तो होली की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आनंदित रहें, खुश रहें और देखते रहें दूरदर्शन। भावना और मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। ओके, थैंक यू। किन्हें दोबारा करना है? एक बार फिर से थैंक यू करना है। ठीक। हाँ, नॉट द क्लोजिंग, जस्ट द थैंक यू। ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर रीना अरोड़ा, आप हमारे स्टूडियो में आईं और आपने हमें इतने काम की टिप्स दी जो कि सरल हैं और आज की जीवन शैली जो दौड़ भाग से भरी हुई है उसमें अपनाई जा सकती हैं। बहुत मजा आया। बहुत धन्यवाद।